नमस्कार दोस्तों, पूजा डिजाइन्स एंड स्टिचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, हमने लाइनिंग का पीस यहाँ पर ले लिया है और मैं यहाँ पर 14.5 इंच पर निशान लगा देती हूँ लंबाई का, और तैयार हमारी रहेगी 13.5 इंच। शोल्डर मैंने लिए हैं यहाँ पर 5 इंच, और आर्म होल पर मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ 5.5 इंच पर। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका मेजरमेंट है वो लें। और ये देखिए, 8 32 साइज़ का हमारा ये ब्लाउज है, तो 8 इंच पर मैंने सीने का चौथा भाग लगाया, 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। और नीचे मैं 7 इंच पर निशान लगाऊंगी कमर का, 28 इंच कमर है, और 1 इंच हमारी बैक साइड डाट के लिए, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से बैक साइड की मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, और हम इसी पर कटिंग कर लेंगे। अब ये बैक पार्ट की हमारी यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। अब ये देखिए, ये हमारा मेन फैब्रिक है, और नेक की चौड़ाई मैं यहाँ पर रख रही हूँ 2.5 इंच। ये स्मॉल साइज का ब्लाउज है, बट मुझे कस्टमर के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनको ब्लाउज की जो पट्टी है वो बिल्कुल छोटी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग रखें। तो ये देखिए, 10 इंच पर मैंने नीचे लंबाई पर निशान लगाया, और ये हमने बॉक्स यहाँ पर बना लिया, और इस पर हम इस तरीके से, ये देखिए, ये राउंड नेक हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। और इसी पर अब ये देखिए, इस तरीके से एक लीफ की तरह हम ये डिजाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इसके ऊपर भी हम इसी तरीके से एक मार्किंग और कर लेंगे। तो ये हमारी दोनों मार्किंग है, इन दोनों को हमको अलग अलग कटिंग करना है। तो ये मैंने पेस्टिंग पेपर यहाँ पर ले लिया है, और ये देखिए, पेस्टिंग पेपर पर आप सेंटर जरूर बना लें, ताकि जब इसको फोल्ड करें तो कोई दिक्कत ना रहे। और ये जो हमने मार्किंग की थी उसके ऊपर ही हम डार्क कर लेते हैं। अब पेस्टिंग को इस डबल फोल्ड कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से, और एक पिन हम अटैच कर लेंगे बिल्कुल, ताकि एक जगह सेट रहे। और अब एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से पेस्टिंग पेपर पर भी नेक की हमारी यहाँ पर कटिंग हो गई है। अब ये जो पेस्टिंग पेपर हमने लिया है, इसको हम लाइनिंग पर पहले पेस्ट कर लेंगे। और ये देखिए, जो बीच की हमने जो डिज़ाइन बनाई है उसको हम बाद में काट के और फिर अलग से इसको बढ़ा कर लेंगे कपड़े पर, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये देखिए, पहले पेस्ट मैंने कर लिया है, नीचे मैन फैब्रिक रखा हुआ है, और इस तरीके से। अगर आपका कपड़ा बिल्कुल पतला है तो आप इस तरीके से लाइनिंग पर डायरेक्ट जो पेस्टिंग पेपर है उसको ना चिपकाएं, क्योंकि वो फ्रंट साइड में दिखता है, इसलिए आप एक्स्ट्रा कपड़ा लाइनिंग का लेके और फिर इस तरीके से नेक को चिपका के और फिर बनाएं। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखें, क्योंकि मेरा तो ये ब्रोकेट का फैब्रिक है और काफ़ी मोटा है, तो इसमें ये जो पेस्टिंग पेपर है वो बिल्कुल नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट इस पर लाइनिंग पर इसको पेस्ट किया है। छोटे छोटे कट हम चारों तरफ यहाँ पर लगा देंगे, तो इससे क्या है कि अच्छे से ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा नेक पलटा जाएगा। अभी देखिए, ऐसे एक बार पूरे को अच्छे से नाखून से प्रेस करते हुए एक साइड में बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से सीधा कर लें। और अब इसको पलटते हुए हम इस पे जो, ये देखिए, सिंगल पैर की सिलाई किनारे किनारे से लगा लेंगे पूरी नेक पर। अब देखिए, अच्छे से सेट करते जाएं और किनारे पर सिलाई लगाते जाएं। तो इसी तरीके से मैं पूरे पर सिलाई यहाँ पर लगा लूंगी। ये देखिए, ये हमने सिलाई यहाँ पर लगा ली है। अब ये देखिए, मैंने बैक साइड में जो दोनों डार्ट लगाते हैं वो भी मैंने यहाँ पर लगा ली है, और नीचे कमर पट्टी भी इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे। तो अब हम इस पर डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। जो ब्लाउज का काम था फिनिशिंग का, वो हमने कर लिया है। तो अब ये देखिए, मैं इसको साइड में रख देती हूँ, और ये जो बीच की हमारी डिजाइन के लिए हमने जो
कपड़ा हमारा निकला था जो हमने ड्रॉ किया था, उसको इस तरीके से डबल फोल्ड ले लाइनिंग का कपड़ा, और फिर उसको इस तरीके से रखते हुए देखिए इस तरीके से बढ़ा कर ले थोड़ा नीचे। आप 1-1.5 इंच आराम से यहाँ पहले ले सकते हैं, अगर एक्स्ट्रा होता तो बाद में कट कर देते, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लेकर ही चलें। और ऊपर से ये देखिए मैं यहाँ पहले इसको बीच में से अलग कर लूँगी, क्योंकि दो हमें इस तरीके से यहाँ पर बनाने हैं। तो ये देखिए दोनों मैंने अलग अलग कर लिए हैं। तो सबसे पहले जो नीचे की लीफ नुमा जो शेप है उसको हम यहाँ पर रखेंगे, बिल्कुल सेंटर से सेंटर को मैच ज़रूर कर लें। और ऊपर से देखिए हमें कोई मार्जिन एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं रखना है, और बिल्कुल बराबर से इसी तरीके से निशान लगाएं। और नीचे देखिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ना है, जैसे हमने नीचे छोड़ा है पत्ती वाले शेप में, क्योंकि नीचे से भी हमें इसको भी अटैच करना है इस पर, तो इसलिए हम दोनों को भी बढ़ा कर लेंगे। अब पहले इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ, और ये देखिए इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे, और अब यहाँ से निकल के यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। तो दोनों का हमारे नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक दोनों में आ चुका है। तो अब देखिए ये मैंने ये जो मैन फैब्रिक है उसको इस तरीके से लिया, डबल फोल्ड कर लिया है, और दोनों को ही हम इस तरीके से रखेंगे, और हमें इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर नहीं रखना है। इसलिए देखिए दोनों में मैं पिन अटैच कर लूँगी और फिर कटिंग हम यहाँ पर कर लेंगे। अभी देखिए दोनों की यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको देखिए इस तरीके से खोल के दिखा देती हूँ, और इस तरीके से ये आएंगे तो लाइनिंग और मैन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे हम ऊपर की साइड से, जहाँ हमने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखा है। तो ये देखिए सिलाई मैं यहाँ पर लगा लूँगी, पिन अटैच कर लेती हूँ ताकि बिल्कुल एक जगह रहे हमारा फैब्रिक, और अब सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए दोनों साइड सिलाई इस तरीके से लगाते हुए अब ये एक्स्ट्रा है थोड़ा थोड़ा, इसको हम पहले कट कर देंगे। मैं हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करके चलती हूँ, कभी भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये देखिए छोटे छोटे कट लगा देंगे और हम इसको पलट देंगे, और पलटने के बाद भी इस पर हम किनारे वाली सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए किनारे वाली सिलाई लगा ली है, और नीचे से दोनों फैब्रिक को ये देखिए ताकि एक जगह रहें, तो इस तरीके से पूरे पर हमने यहाँ पर सिलाई भी लगा ली है, और ये एक्स्ट्रा जो भी है इनको कट कर देते हैं, धागे वगैरह है तो बिल्कुल फिनिशिंग था हमारा। ये देखिए डिजाइन तैयार हो गया। अब मैंने यहाँ पर ये देखिए ये उबरे पट्टी ली हुई है क्रॉस पट्टी, और इसको मैं डबल फोल्ड करूँगी, डबल फोल्ड करते हुए पूरे को इस तरीके से सिल लूँगी, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरीके से कट कर लेंगे ताकि बिल्कुल एक जैसे रहे। और अब हम इस पर पाइपिंग बनाएंगे जो हमने सेंटर की डिजाइन बनाई थी उसी पर। दोनों को हमें ये देखिए पाइपिंग को नीचे रखना है और इसको उल्टा रखते हुए उसके ऊपर रखना है, तो इससे क्या है कि हमें पता रहता है कि हमें कितना दबाव लेना है, कितनी मोटी पाइपिंग बनानी है, उतना ही कपड़ा आप दबाएं। और इस तरीके से देखिए बीच में से जब इसको अच्छे से कॉर्नर बनाने के लिए आप सुई को नीचे रखें बिल्कुल नोक को कॉर्नर पर, और इस तरीके से घुमाते हुए लेके जाएं, इससे क्या है कि कॉर्नर भी अच्छे से बनता है और फिनिशिंग के साथ पाइपिंग लगती है। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब हम इस पर सेंटर में छोटा सा कट लगाएंगे, ये देखिए सिलाई ना कटे इस बात का ध्यान रखें, और अब हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद पूरी पाइपिंग को इसी तरीके से बना लेंगे, तो ये देखिए बिल्कुल एक जैसी पाइपिंग हमारी यहाँ पर बनेगी बिल्कुल गोल। ये देखिए अब सेंटर के में बीच में थोड़ा सा कट लगा दें, आधे जितना पाइपिंग का फैब्रिक है उस पर आधे पर थोड़ा सा कट लगाएं ताकि वो घूमने में आसानी रहेगी, और बिल्कुल आपका कॉर्नर अच्छे से यहाँ पर बनेगा और पाइपिंग भी बिल्कुल अच्छे से लगेगी। आपको ज़्यादा नहीं काटना है, उसको थोड़ा सा काटना है ताकि वो अच्छे से घूम जाए। और ये देखिए मेरे बिल्कुल अच्छे से घूम गया है, और मैंने ये आगे भी पाइपिंग को इसी तरीके से मैं बना लूँगी। आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से ये पाइपिंग के साथ भी अच्छे से जो कॉर्नर है वो बना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर ये बन गया। तो ये दूसरा भी हमारा इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। और अब मैं यहाँ पर जो हमारा ब्लाउज है उसकी पूरी नेक पर पाइपिंग लगाऊंगी। तो पाइपिंग मैंने यहाँ पर उरे पट्टी काटी है जैसे उस पर हमने डिजाइन पर लगाई थी, सेम वही तरीका है पूरी नेक पर पाइपिंग लगाने का।
तो मैं पहले इसको अटैच कर लूँगी। ये देखिए इसको अटैच कर लिया है हमने। अब हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे और ये बैक साइड में चला जाएगा एक्स्ट्रा फैब्रिक, और इस तरीके से बिल्कुल एक जैसी और बिल्कुल गोल पाइपिंग हमारी पूरी नेक पर यहाँ पर बन जाएगी। इस तरीके से आप पाइपिंग बना ट्राई ज़रूर करें तो आप ज़रूर पाएंगे कि आपके बहुत सुंदर पाइपिंग बनने लगेगी। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो पाइपिंग बनाने में। और फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आपको लाइक तो इसके लिए करना ही पड़ेगा, तो आप लाइक ज़रूर कर लें वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये देखिए जो सेंटर है उसमें हमने ये डिजाइन बनाई थी उसको बिल्कुल अच्छे से सेट करते हुए देखिए पिन लगा देंगे हम यहाँ पर। तो पहले तो हम इन दोनों को जॉइंट करेंगे और फिर बाद में इसको जो बैक पार्ट है ब्लाउज का उस पर जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए हम इसको पहले जॉइंट कर लेते हैं। तो ये जो हमारी पाइपिंग है उसके बिल्कुल सारे सारे पर सिलाई लगानी है, पाइपिंग पर हमें सिलाई नहीं चढ़ानी, इस बात का ध्यान रखें। और कॉर्नर पर इस तरीके से घुमाते हुए सुई को, और पूरा ये हमने अच्छे से अटैच कर लिया है। पिन को हम यहाँ पर हटा देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से अटैच हो चुका है दोनों ही। और अब इसको सेंटर में बिल्कुल अच्छे से सेट करेंगे। बिल्कुल ये देखिए सेंटर से सेंटर आप ज़रूर मैच कर लें, बिल्कुल भी टेढ़ा ना रहे, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो बिल्कुल हमारी पूरी डिज़ाइन भद्दी लगेगी। अच्छे से सेट करने के बाद आप दो तीन पिन अटैच कर लें चारों तरफ। इससे क्या है कि बिल्कुल दोनों चीज़ें हमारी एक जगह सेट रहेंगी, हिलेंगी नहीं तब हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर दो तीन पिन लगा लेती हूँ। ये देखिए और अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पर आप अच्छे से पक्का जरूर कर लें डबल सिलाई लगाते हुए। और पूरे पर हमने इसको अब अटैच कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से अटैच हो चुका है। पिन को हम यहाँ पर हटा देंगे और इसके पीछे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी मैंने यहाँ पर कटिंग कर दिया है। और जो धागा वगैरह है उसको साथ साथ कटिंग करते हुए चलना चाहिए हमें, तो फिनिशिंग भी हमारी अच्छे से बढ़ जाएगी। तो ये देखिए हाफ इंच के लगभग हमें निशान लगाना है पूरे नेक पर बराबर बराबर। इस तरीके से। और मैंने यहाँ पर जो ब्लैक कलर है ये हमारा इसके स्क्वायर पीसेज यहाँ पर लिए हैं 2x2 के, तो उनको ये देखिए इस तरीके से ट्रायंगल में फोल्ड करते हुए फिर डबल फोल्ड करके इस तरीके की डिजाइन बना लेंगे। तो एक दो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ बनाना। तो और एक्स्ट्रा मैंने पहले से ही बना के रखे हुए हैं, और ये जो इनके पीछे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहाँ पर कट कर देंगे। तो ये क्या है कि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएंगे हमारी लगाने के लिए। और अब हमने जो लाइन ड्रॉ की है ये देखिए इसके ऊपर हमें इनको अटैच करना है, और सिलाई हमारी लाइन के ऊपर आनी चाहिए, इसीलिए मैंने लाइन ड्रॉ की है और थोड़ा सा गैप रखा है, क्योंकि अगर इस तरह के डिज़ाइन बनाते तो थोड़ा गैप देके बनाते तो वो बहुत सुंदर लगता है। तो इसी तरीके से हम पूरी जो ये लाइन हमने ड्रॉ की है उस पर अटैच कर लेंगे ये डिजाइंस को। तो मैं इसी तरीके से पूरे में यहाँ पर अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया है, और अटैच करने के बाद ये देखिए जो साइड में ये एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल जाता है इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। कट करने से बिल्कुल ये देखिए कितने फिनिशिंग के साथ ये डिज़ाइन बनेगी। अच्छे से ध्यान से करें ताकि नीचे का आपका ब्लाउज ना कटे, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो मैंने पूरा यहाँ पर कट कर लिया है, और इसके ऊपर ही जो ब्लाउज की मस्टर्ड येलो कलर की मुझे मैंने यहाँ पर लेस ली है, तो उसको मैं पूरी ये देखिए इसकी जो ट्रायंगल्स की सिलाई को कवर करते हुए उसके ऊपर पूरा मैं यहाँ पर लगा दूंगी। ये देखिए दोनों किनारे पर सिलाई है, पहले मैं एक किनारे पर लगाऊंगी फिर दोनों किनारे पर सिलाई लगा के इस तरीके से इसको हम तैयार कर लेंगे। तो लेस भी मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है ये देखिए। और अब ये चारों तरफ मैं इन पर ट्रायंगल्स पर मोती अटैच कर लूँगी गोल्डन कलर के। ये देखिए अगर आप इसको वैसे भी छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। अगर आपको डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।